दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो रिव्यू को और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्नो रिव्यू में और आज के इस वीडियो में मैं करूंगी कैमरा कंपैरिजन बिटवीन गैलेक्सी A50 एंड गैलेक्सी M30। M30 में आपको रियर साइड में मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप जिसमें से प्राइमरी सेंसर है 13 मेगापिक्सल की विद एपर्चर F1.9, उसके साथ एक 5 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस जिसमें आपको एपर्चर मिलता है F2.2 और फाइनली एक 5 मेगापिक्सल की डेप्थ सेंसर जिसमें फिर से आपको एपर्चर मिलता है F2.2। इस फोन में आपको फ्रंट कैमरा मिलता है 16 मेगापिक्सल की विद एपर्चर F2.0। A50 में आपको मिलता है ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और यहाँ पर आपको प्राइमरी सेंसर मिलता है 25 मेगापिक्सल की और इसमें आपको एपर्चर मिलेगा F1.7। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस जिसमें है एपर्चर F2.2 और फाइनली आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल की डेप्थ सेंसर विद एपर्चर F2.2। इस फोन की फ्रंट कैमरा है 25 मेगापिक्सल की और इसमें हमें एपर्चर मिलता है F2.0। तो चलिए देख लेते हैं कि इन दोनों फोन्स में कौन जीतता है ये कैमरा बैटल और वीडियो पर बनने से पहले हमारे इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लीजिए। तो कैमरा कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं दोनों फोन्स की रियर कैमरा फुटेज से और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि दोनों फुटेजेस काफी हद तक सिमिलर है। यहाँ पर मेन डिफरेंस है स्टेबिलाइजेशन की। जो M30 है उसमें हमें स्टेबिलाइजेशन की कोई सपोर्ट नहीं मिलता है जो कि है EIS की सपोर्ट, लेकिन A50 में हमें मिलता है EIS की सपोर्ट, जिसलिए इस फोन में आपको काफी स्मूथ एंड स्टेबिलाइज्ड फुटेज मिलेगा। दोनों ही वीडियोस में हमें काइंड ऑफ इक्वल डायनेमिक रेंज मिला है यहाँ पे और इन दोनों वीडियोस में कलर्स तो वैसे काफी हद तक सिमिलर है लेकिन स्लाइटली वाइब्रेंट है M30 की फुटेज। डिटेलिंग भी काफी सिमिलर मिला है हमें। अगर हम वीडियो की इस पार्ट पे पॉज करते हैं तो आप देख पाओगे प्रॉपर इन वीडियो शार्पनेस। लास्टली बहुत ही एक स्लाइट डिफरेंस है इन दोनों फोन्स की वीडियो फुटेज में। दोनों ही वीडियोस मैंने एक साथ ली है इक्वल पोजीशन से और यहाँ पर A50 की फुटेज स्लाइटली जूम्ड इन है कम्पेयर टू M30। अब इन दोनों फोन्स में हमें मिलता है एक वाइड एंगल लेंस और उसे यूज करके मैंने ये वीडियो फुटेज ली है। आप वाइड एंगल लेंस को यूज करके वीडियोस भी ले पाओगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि काफी वाइड एंगल फुटेज मिला है हमें यहाँ पे और इस बार फुटेज में स्लाइटली डिफरेंस है इन कलर्स। इस बार A50 की फुटेज स्लाइटली ज्यादा वाइब्रेंट है कम्पेयर टू M30 और उसके साथ साथ इन वाइड एंगल मोड भी स्टेबिलाइजेशन आपको मिल जाएगा A50 के फुटेज में, जबकि M30 की फुटेज बहुत ही शेकी है। इन दोनों फोन्स के वाइड एंगल मोड से अगर आप कोई वीडियो शूट करते हो तो थोड़ी सी ज्यादा वाइड एंगल फुटेज आपको मिलेगा इन M30। यह है फ्रंट कैमरा वॉकिंग क्लिप इन दोनों फोन से और यहाँ पर फर्स्टली दोनों ही फोन्स की परफॉर्मेंस लगभग सिमिलर है, लेकिन कभी कभार विद चेंजिंग लाइट सोर्स एंड चेंजिंग एंगल्स आप देख सकते हो कि कलर कॉन्ट्रास्ट की बैलेंस थोड़ी सी बेटर है A50 की फुटेज में। वैसे दोनों ही फोन्स की फ्रंट कैमरा फुटेज में कोई स्टेबिलाइजेशन नहीं है, इसलिए इन दोनों फोन्स की फ्रंट कैमरा से आपको थोड़ी सी शेकी फुटेज मिलेगा। अगर आप फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड करते हो इन दोनों फोन से तो स्किन टोन आपको नेचुरल मिलेगा दोनों ही फोन्स में। मोरलेस दोनों ही फुटेजेस काफी वाइब्रेंट है और उसके साथ साथ डिटेलिंग भी आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा इन दोनों वीडियोस में। अब नेक्स्ट ये है ऑटो फोकस टेस्ट इन दोनों फोन्स की और यहाँ पर A50 की ऑटो फोकसिंग टाइम में 2 सेकंड की एक लैग है, जबकि कंपैरेटिवली M30 में ऑटो फोकसिंग फास्ट है। A50 में आप देख सकते हो कि फुल पे फोकस करने में यहाँ पर 2 सेकंड की एक डिले है, जबकि वो स्लाइटली फास्ट हो रहा है M30 में। तो गाइस इस क्लिप से हम देखेंगे कितना ऑडियो डिफरेंस है इन दोनों फोन्स में और इसके साथ साथ रियर कैमरा वीडियो में कलर डिफरेंस। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही ह्यूज डिफरेंस नहीं है कलर्स में। हम कुछ और सैम्पल्स देखेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि कितना कलर डिफरेंस एक्चुअली में है इन दोनों फोन्स में। जैसे कि आप देख सकते हो वाइब्रेंसी की स्लाइटली डिफरेंस है। अगर आप लीव्स की कलर को देखते हो तो थोड़ी सी वाइब्रेंट है M30 की फुटेज और उसके साथ साथ ऑटो फोकसिंग में भी थोड़ी सी फास्ट है M30। तो ओवरऑल रियर कैमरा वीडियो फुटेज में थोड़ी सी वाइब्रेंट फुटेज आपको मिलेगा इन M30। स्टेबिलाइजेशन आप देख सकते हो कि A50 की फुटेज में हमें मिलता है स्टेबिलाइजेशन, तो यहाँ पर फुटेज काफी स्टेबिलाइज्ड है कम्पेयर टू M30। M30 की फुटेज बहुत ही ज्यादा शेकी है। अगर बात की जाए ऑडियो डिफरेंस की तो यहाँ पर आप सुन सकते हो दोनों फोन्स की ऑडियो। मैं यहाँ पर बीच बीच में ऑडियो को स्विच करती रहूंगी ताकि आपको पता चले कि इन दोनों फोन्स में से किस फोन में आपको बेटर ऑडियो मिलेगा इन रियर कैमरा वीडियोस। और क्योंकि मैं ये वीडियो फुटेज आउटडोर में रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आप सुन सकते हो कि दोनों फोन्स में कितना नॉइस कैंसिलेशन होता है। तो अभी नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए कि इन दोनों फोन्स में से किस फोन की ऑडियो आपको बेटर लगी और उसके साथ साथ ये भी मेंशन कीजिए कि किस फोन में हमें मिलता है बेटर कलर रिप्रोडक्शन इन वीडियोस। अब ये फुटेज मैंने लिया है दोनों फोन्स की रियर कैमरा से रात के वक्त। इस वीडियो में कंपेयर टू M30 A50 की फुटेज वेल लिट है, पर दोनों ही वीडियोस में बहुत ही ज्यादा फ्लिकर है। वैसे आपको M30 में कोई स्टेबिलाइजेशन की ऑप्शन नहीं मिलता है तो इसलिए फुटेज काफी शेकी है, पर A50 की फुटेज में भी आप देख सकते हो बहुत ज्यादा फ्लिकरिंग विद ऑटो फोकस। शैडोज कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम है A50 की फुटेज में, पर वेल लिट आर्टिफिशियल लाइटिंग पे आने पे यहाँ पर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट होता है दोनों ही फोन्स की रियर कैमरा से नाइट वीडियो परफॉर्मेंस में। लास्ट डिटेलिंग बहुत ही ज्यादा मिसिंग होता है अगर आप रात के वक्त कोई वीडियो फुटेज लेते हो तो, और उसके साथ साथ इन दोनों वीडियोस में आपको नॉइस दिख जाएगा।
तो वीडियोस के बाद अभी आते हैं फोटोज पे, और यह है फर्स्ट शॉट जो मैंने ली है दोनों फोन्स की रियर कैमरा से, और यहाँ पर HDR मोड ऑन था। फर्स्टली इन HDR शॉट्स हम देखेंगे शैडोज एंड हाइलाइट्स में परफॉर्मेंस। अगर शैडोज को इस फोटो में देखा जाए तो आप देख सकते हो कि जूम करने पे दोनों ही फोन्स की परफॉर्मेंस इक्वल है इन शैडोज, पर अगर बहुत ही गौर से देखा जाए तो F30 में थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस है इन शैडोज। हाइलाइट्स की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हो कि दोनों ही फोटोज की जो हाइलाइट्स में परफॉर्मेंस है वो काइंड ऑफ सिमिलर है। दोनों ही फोटोज में यहाँ पर इक्वल डिटेलिंग है। M30 में हमें मिला है एक कूलर टोन की फोटो, जबकि A50 की फोटो है वार्मर टोन की। ये HDR शॉट मैंने स्लाइटली क्लाउडी सिचुएशन में ली है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि M30 की जो शैडोज में परफॉर्मेंस है विद HDR मोड ऑन वो बेटर है कम्पेयर टू A50। सेम लाइटिंग सिचुएशन में भी A50 की फोटो में शैडोज थोड़ी सी ज्यादा है विद HDR मोड ऑन। इन दोनों फोटोज में आप स्लाइट कलर डिफरेंस स्पॉट कर पाओगे। दोनों ही फोन्स में हमें मिलता है एक वाइड एंगल मोड, और उसे यूज करके मैंने ये फोटो ली है, और इस बार आप देख सकते हो कि बहुत ही वाइड एंगल फोटो हमें मिला है दोनों ही फोन से। पर वाइड एंगल मोड पे स्विच करने के बाद भी A50 में फोटो थोड़ी सी क्रॉप्ड है कम्पेयर टू M30, पर A50 की फोटो में कलर्स काफी रिच एंड वाइब्रेंट है, और स्काई की भी डिटेलिंग इस फोटो में A50 में थोड़ी सी बेटर है कम्पेयर टू M30। इस एरिया पे आपको वेरियस टोन्स ऑफ कलर दिखेगा जो कि मिसिंग है इन M30, तो ओवरऑल कलर कॉन्ट्रास्ट की बैलेंस बेटर है इस बार A50 की फोटो में। ये फोटो मैंने ली है नॉर्मली दोनों फोन्स की रियर कैमरा से, और यहाँ पर मैंने की है 100% जूम आउट। फर्स्टली अगर आप नॉर्मली कोई फोटो लेते हो दोनों फोन्स की रियर कैमरा से तो उसमें भी शैडोज में आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा इन M30। हम देख सकते हो कि एक्सपोजर बैलेंस थोड़ी सी बेटर है M30 की फोटो में। अगर आप प्लांट्स को देखते हो यहाँ पे तो ग्रीन कलर की काफी सिमिलर टिंट है इन दोनों फोटोज में, और उसके साथ साथ अगर आप स्काई को नोटिस करते हो तो ब्लूइश टिंट थोड़ी सी ज्यादा है A50 की फोटो में। नॉर्मली रियर कैमरा से फोटो लेने पे यहाँ पर हमें दोनों ही फोटोज में इक्वल डिटेलिंग मिला है। और नेक्स्ट इस फोटो में मैंने की है 100% जूम इन। जैसे कि आप देख सकते हो कि दोनों ही फोन से आप इक्वल जूम इन कर सकते हो। दोनों ही फोन से 100% जूम इन करने के बाद भी शार्पनेस इन दोनों फोटोज में मोर ऑर लेस सिमिलर है। बहुत ही माइनरली देखने पे यहाँ पर A50 की फोटो में शार्पनेस स्लाइटली ज्यादा है। HDR मोड ऑन होने पर कितना डिफरेंस होता है स्काई की डिटेलिंग में वो चेक करने के लिए मैंने ये फोटो ली है। बहुत ही स्लाइट कलर डिफरेंस यहाँ पर नोटिसेबल है। A50 की फोटो में आपको स्लाइटली ब्लूइश टिंट ज्यादा दिखेगा। उसके अलावा क्लाउड की डिटेलिंग में उतना ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है इन दोनों फोटोज में। नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी ओपिनियन बताइए कि इन दोनों फोटोज में किस फोन की परफॉर्मेंस आपको बेटर लगा। अब नेक्स्ट ये है मैक्रो शॉट इन दोनों फोन से, और कलर कॉन्ट्रास्ट की बहुत ही डिफरेंस है इन दोनों फोटोज में। A50 की फोटो में बहुत ही अच्छा एक बैलेंस है इन कलर कॉन्ट्रास्ट, जबकि एक्सपोजर बैलेंस आपको थोड़ी सी ज्यादा दिखेगा इन M30। दोनों ही फोटोज में जो मेन सब्जेक्ट है वो बहुत ही अच्छी तरीके से सेपरेट हुई है फ्रॉम बैकग्राउंड, और मैक्रो शॉट में दोनों ही फोन्स में आपको काइंड ऑफ सिमिलर बैकग्राउंड ब्लर मिलता है। मैक्रो शॉट में अगर डेप्थ सेंसिंग को देखा जाए तो दोनों ही फोटोज में काफी सिमिलर परफॉर्मेंस है। इन एरियाज को अगर आप नोटिस करते हो तो दोनों ही फोटोज में इन एरियाज पे आपको बैकग्राउंड ब्लर दिखेगा। ये लीव्स फूल की बहुत ही करीब था, पर फिर भी यहाँ पर आपको बैकग्राउंड ब्लर दिखेगा, तो डेप्थ सेंसिंग काफी अच्छा होता है दोनों ही फोन्स में। जूम करने के बाद यहाँ पर A50 की फोटो में कलर्स बहुत ही अच्छा है, पर सब्जेक्ट में शार्पनेस हमें थोड़ी सी बेटर मिला है M30 की फोटो में। नेक्स्ट ये फोटो मैंने ली है इन शैडोज, और फर्स्टली यहाँ पर बहुत ही वार्मर टोन हमें मिला है M30 की फोटो में, जबकि A50 की फोटो में है कूलर टोन। दोनों ही फोन्स में आप देख सकते हो कि काफी वेल लिट हुई है सब्जेक्ट, बहुत ही कम शैडोज दिखेगा आपको यहाँ पर अगर ट्रू टू रियलिटी की बात की जाए तो वो है A50 की फोटो में। अगर आप फूल की कलर को देखते हो तो वो काफी ट्रू टू रियलिटी है इन A50। नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात की जाए शैडोज में डिटेलिंग की तो वो भी आपको बेटर मिलेगा A50 की फोटो में। अब चलते हैं दोनों फोन्स की लाइव फोकस मोड यानी कि पोर्ट्रेट शॉट्स पे। तो यहाँ पर फर्स्टली मैंने एक ऑब्जेक्ट की पोर्ट्रेट शॉट ली है, और पोर्ट्रेट शॉट्स में हम सबसे पहले देखते हैं एज डिटेक्शन को। जूम करने पे आप देख सकते हो कि M30 की फोटो में जो एज डिटेक्शन हुई है वो बहुत ही परफेक्ट है। A50 की फोटो में कुछ स्मजी एजेस आपको दिखेगा, और उसके साथ साथ इन एरियाज पे कलर्स भी थोड़ी सी वॉश्ड आउट है, जबकि डिटेलिंग हमें बहुत ही अच्छा मिला है M30 की फोटो में। पर हाँ, A50 की फोटो में कलर्स काफी ट्रू टू रियलिटी है। और लास्टली अगर बैकग्राउंड ब्लर की बात की जाए तो दोनों ही फोन्स में आपको बैकग्राउंड ब्लर को इंक्रीज और डिक्रीज करने की ऑप्शन मिलेगा। फोटो लेने से पहले भी आप एडजस्ट कर सकते हो या फिर फोटो लेने के बाद भी। तो अगर पोर्ट्रेट मोड पे बैकग्राउंड ब्लर आपको बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव दिख रहा है तो उसे आप डिक्रीज करके भी दोनों ही फोन्स से फोटो ले सकते हो। पोर्ट्रेट शॉट्स में एज डिटेक्शन कितना परफेक्ट होता है वो हमें सबसे अच्छी तरीके से पता चलता है ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट में, और यह है ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट दोनों फोन्स की रियर कैमरा से यानी लाइव फोकस शॉट। कुछ एरियाज बहुत ही स्लाइटली स्मजी है, लेकिन फोटो टू फोटो यह वैरी करता है। कुछ फोटोज में आपको बहुत ही अच्छा एज डिटेक्शन मिल जाएगा, और कुछ फोटोज में आपको स्लाइटली प्रॉब्लम दिखेगा विद एज डिटेक्शन। तो यहाँ पर कुछ एरिया स्लाइटली स्मजी है। A50 की पोर्ट्रेट मोड में परफॉर्मेंस इससे पहली फोटो में जितना था उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हुई है इस फोटो में। अगर आप इन हेयर स्टैंड को देखते हो तो ये भी फोकस में है, यहाँ पर भी एज डिटेक्शन हुई है A50 में, तो ये काफी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस लगी मुझे इन ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट। उसके अलावा अगर स्किन टोन की बात की जाए तो दोनों ही फोटोज में स्किन टोन काफी सिमिलर है, काफी नेचुरल स्किन टोन हमें मिला है इन दोनों फोटोज में, और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मैसिव कलर डिफरेंसेस भी नहीं है। पर सब्जेक्ट में डिटेलिंग आपको बेटर मिलेगा M30 की फोटो में। अगर आप इन हेयर स्ट्रैंड्स को देखते हो तो वो थोड़ी सी शार्प है। यह दोनों फोन्स की रियर कैमरा से ऑब्जेक्ट की फोटो, और यहाँ पर कोई पोर्ट्रेट मोड ऑन नहीं था।
कलर कॉन्ट्रास्ट की बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है। A50 की फोटो में आपको एक लाइटर शेड ऑफ येलो दिखेगा, जबकि M30 की फोटो में थोड़ी सी डीपर शेड ऑफ येलो है। उसे छोड़कर इन दोनों फोटोज में उतना कुछ डिफरेंस नहीं है। डिटेलिंग भी काफी हद तक सिमिलर है इन दोनों फोटोज में। यह रियर कैमरा से नॉर्मली ह्यूमन फोटो और यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफी सिमिलर परफॉर्मेंस हमें मिला है। शॉट की कलर यहाँ पर स्लाइटली डिफरेंट है, पर अगर मेन सब्जेक्ट को देखा जाए तो यहाँ पर सब्जेक्ट में डिटेलिंग दोनों ही फोटोज में बहुत ही अच्छा मिला है हमें, पर बैकग्राउंड की डिटेलिंग थोड़ी सी बेटर है A50 की फोटो में। पर दोनों ही फोटोज की बैकग्राउंड में जो स्काई है उसमें बिल्कुल भी डिटेलिंग कैप्चर नहीं हुई है। और लास्टली स्किन टोन दोनों ही फोटोज में काफी नेचुरल है, पर फेस पे थोड़ी सी ब्राइटनेस ज्यादा है A50 की फोटो में। अब ये फोटो मैंने ली है इन शैडोज और इस बार यहाँ पर HDR मोड ऑन था, तो शैडोज में HDR मोड ऑन होने पे फोटोज काफी वेल लिट हुई है, पर जूम करने पे आप देख पाओगे कि डिटेलिंग बेटर है इन M30। इन एरियाज पे आप स्लाइट कलर डिफरेंस देख पाओगे, लेकिन वो ट्रू टू रियलिटी है इन A50। नेक्स्ट ये है सेल्फी विदाउट फ्रंट पोर्ट्रेट मोड ऑन और यहाँ पर कलर बैलेंस बहुत ही अच्छा है A50 की फोटो में। अगर आप सब्जेक्ट या फिर बैकग्राउंड को देखते हो, काफी रिच कलर्स हैं इन फोटो। बैकग्राउंड की स्काई में भी एक ब्लूइश टिंट है, जबकि M30 की सेल्फी में बैकग्राउंड में स्काई काफी वॉश्ड आउट है। तो ओवरऑल A50 की फोटो में सैचुरेशन लेवल्स, हाईलाइट, शेडो सब कुछ बैलेंस्ड है, जबकि एक्सपोजर बैलेंस आपको स्लाइटली ज्यादा दिखेगा इन M30। अगर बात की जाए स्किन टोन की तो दोनों ही फोटोज में हमें सिमिलर स्किन टोन मिला है। स्किन टोन काफी नेचुरल है इन दोनों फोटोज में। M30 में ये एरिया आप देख सकते हो कि काफी वॉश्ड आउट है, जबकि यहाँ पर आपको प्रॉपर डिटेलिंग दिख जाएगा A50 की फोटो में। स्किन पे स्मूथनिंग यहाँ पर दोनों ही फोन्स में काइंड ऑफ सिमिलर है, उसे आप इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हो। ब्यूटिफिकेशन की ऑप्शन आपको दोनों ही फोन्स में मिलेगा। और सब्जेक्ट या फिर बैकग्राउंड में डिटेलिंग की अगर बात की जाए तो इस बार वो हमें बेटर मिला है A50 में। अब नेक्स्ट ये सेल्फी है विद फ्रंट लाइव फोकस मोड और दोनों ही फोटोज की फ्रंट सेल्फी में जो बैकग्राउंड ब्लर है वो थोड़ी सी एग्रेसिव है। इस बार भी A50 की फोटो में हमें बेटर सैचुरेशन लेवल्स मिला है और उसके साथ साथ यहाँ पर हाइलाइट्स एंड शैडोज भी बहुत ही बैलेंस्ड है। कलर रिप्रोडक्शन फोटो में बेटर है कम्पेयर टू M30। M30 की फोटो में इस बार भी एक्सपोजर लेवल्स थोड़ी सी ज्यादा है और इसके साथ साथ शैडोज एंड हाइलाइट्स की बैलेंस उतना परफेक्ट नहीं है। पर जस्ट एज अ पोर्ट्रेट सेल्फी अगर इन दोनों फोटोज को कंपेयर की जाए, इन फ्रंट पोर्ट्रेट सेल्फीज हम फर्स्टली देखेंगे एज डिटेक्शन को, जैसे कि आप A50 में देख सकते हो कुछ एरियाज यहाँ पर स्मजी है और ये सेम चीज आप M30 की पोर्ट्रेट सेल्फी में भी स्पॉट कर पाओगे। कुछ एरियाज इस फोटो में भी स्मजी है। स्किन टोन इन दोनों फोटोज में फिर से सिमिलर है, यहाँ पर बहुत ही ह्यूज डिफरेंस नहीं है इन स्किन टोन। और इन पोर्ट्रेट मोड भी आपको ब्यूटिफिकेशन की ऑप्शन मिलेगा इन दोनों फोन्स में। एंड यहाँ पर ओवरऑल सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छा डिटेलिंग हमें मिला है इन A50। अब चलता है कुछ इंडोर शॉट्स पे। तो ये है फर्स्ट फोटो जो मैंने ली है इंडोर्स और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि A50 में इंडोर्स बेटर परफॉर्मेंस है कम्पेयर टू M30। फोटो काफी वेल लिट है इंडोर लाइटिंग कंडीशन में भी। और अगर आप इस एरिया को नोटिस करते हो, यहाँ पर आपको प्रॉपर डिटेलिंग दिखेगा, पर M30 की फोटो में यहाँ पर डिटेलिंग वॉश्ड आउट है। विंडो में भी आप सिमिलर चीज देख सकते हो। ओवरऑल हमें वाइब्रेंट फोटो मिला है A50 में और उसके साथ साथ ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट की बैलेंस भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा है कम्पेयर टू M30। और जूम करने पे आप देख पाओगे कि दोनों ही फोन्स में स्लाइटली स्ट्रगल हुई है शार्पनेस में इन इंडोर लाइटिंग कंडीशन। नेक्स्ट ये है लो लाइट सेल्फी। तो लो लाइट कंडीशन में भी फोटो यहाँ पर वेल लिट है, फेस आपको थोड़ी सी ज्यादा वेल लिट मिलता है M30 में। लो लाइट कंडीशन में बैकग्राउंड भी हमें दोनों ही फोटोज में वेल लिट मिला है और लो लाइट कंडीशन में दोनों ही फोटोज में स्ट्रगल हुई है विद शार्पनेस एंड डिटेलिंग। लास्टली दोनों ही फोटोज में थोड़ी बहुत नॉइज दिख जाएगा आपको। नेक्स्ट यह सेल्फी विद फ्रंट फ्लैश ऑन इन लो लाइट कंडीशन और A50 में अगर आप लो लाइट कंडीशन में फ्रंट फ्लैश को ऑन करते हो तो एक रेडिश टिंट होता है फोटो में और इससे जो स्किन टोन की नेचुरलनेस है वो आपको नहीं मिलेगा। इन दोनों ही फोन्स में हमें मिलता है स्क्रीन फ्लैश के ऑप्शन और स्क्रीन फ्लैश को यूज करके यहाँ पर M30 की परफॉर्मेंस डेफिनेटली बेटर है कम्पेयर टू A50। पर यहाँ पर भी डिटेलिंग थोड़ी सी मिसिंग है इन दोनों फोटोज में। अब चलता है कुछ नाइट शॉट्स पे। तो यह फर्स्ट शॉट जो मैंने ली है दोनों फोन्स के रियर कैमरा से और दोनों ही फोन्स में इवन एट नाइट भी कलर्स काफी वाइब्रेंट मिला है हमें इन फोटोज। थोड़ी सी शार्पनेस यहाँ पर बेटर है M30 की फोटो में, पर दोनों ही फोटोज में आपको बहुत ज्यादा नॉइज दिख जाएगा। रात के वक्त अगर आप कोई फोटो लेते हो तो तब शैडोज में आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा इन A50। यह है दोनों फोन्स की रियर कैमरा से ऑब्जेक्ट की फोटो इन लो लाइट कंडीशन और रियर कैमरा से इन लो लाइट कंडीशन परफॉर्मेंस काइंड ऑफ सिमिलर है। दोनों ही फोन्स में यहाँ पर सब्जेक्ट तो विजिबल है लेकिन बिल्कुल भी डिटेलिंग नहीं है सब्जेक्ट में। और कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो M30 की फोटो में सब्जेक्ट स्लाइटली वेल लिट है। और नेक्स्ट इस फोटो में मैंने ऑन की है रियर फ्लैश और जैसे कि आप देख सकते हो कि दोनों ही फोटोज में परफॉर्मेंस बिल्कुल सेम है। कलर्स भी यहाँ पर काफी सेम मिला है हमें और उसके साथ साथ जो बैकग्राउंड है वो कम्प्लीटली डार्क है दोनों ही फोटोज में। और लास्टली सब्जेक्ट में भी यहाँ पर इक्वल डिटेलिंग है। और दोस्तों ये था इन डेप्थ कैमरा कंपैरिजन इन दोनों फोन्स में। और नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए कि क्या लगता है आपको इन दोनों फोन्स में से किस फोन की कैमरा परफॉर्मेंस है बेटा। और गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू टेक केयर।